ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से इस प्रोसेस को खुद नेविगेट किया है, खुद समझा है। यूजुअली यही होता है कि आपको कोई समझाने वाला नहीं होता व्हेन इट कम्स टू दिस। सो वंस यू हैव फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, व्हाट डू यू डू? आई इंकरेज, सो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट फ़ौरन नहीं हो जाना चाहिए। जब आप पहली पहली दफ़ा किताब ख़त्म करते हैं या शॉर्ट स्टोरी ख़त्म करते हैं लिखना, तो आप बड़े बायस्ड होते हैं उसकी तरफ। यू रियली लव इट, यू थिंक इट्स वेरी गुड, और हो भी सकता है बहुत अच्छी हो। आई वुड इंकरेज यू कि कम अज़ कम 2 to 3 weeks स्टे अवे फ्रॉम दैट पीस। देन आफ्टर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह कम बैक टू दैट पीस, रीड इट अगैन, अ काइंड ऑफ लाइक एडिट इट, देन सेंड इट टू अ फ्रेंड हु इज़ अ रीडर, और परहैप्स अ क्रिएटिव राइटिंग टीचर और समबडी, नॉट योर मदर, नॉट योर फादर, नॉट पीपल हु आर गोइंग टू से ओ दिस इज़ वंडरफुल, बट पीपल हु टेल यू वेयर यू आर फेलिंग, वेयर योर कैरेक्टर इज़ नॉट मेकिंग एनी लॉजिकल सेंस, वेयर देर इज़ अ बिलीवेबिलिटी इशू एंड स्टफ। सो यू हैव टू डिवेलप अ वेरी थिक स्किन एज अ राइटर, बिकॉज यू हैव टू आस्क पीपल वट इज़ रॉन्ग विद दिस स्टोरी। सो आफ्टर यू हैव डन दोज मल्टीपल रिविजन्स विद योर सेल्फ एंड बाई शोइंग इट टू डिफरेंट पीपल, देन यू हैव टू लुक फॉर समथिंग कॉल्ड अ लिटरी एजेंट। सो लिटरी एजेंट्स यूजली आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हैं या इंडिया में हैं आपके लिटरी एजेंट्स, पाकिस्तान में नहीं हैं। सो लिटरी एजेंट, अगर आपने किताब पब्लिश करनी है या फिर आप पाकिस्तान में पब्लिशिंग हाउसेज़ को, यू कैन अप्रोच दैम एंड यू कैन पब्लिश दैम। बट इफ़ यू वॉन्ट योर बुक टू बी इन UK, US एंड अदर प्लेसेज लाइक बार्नज एंड नोबल एंड स्टाफ, तो यूजली यू गो फॉर द ट्रेडिशनल राउट विच इज़ गोइंग थ्रू द लिटरी एजेंट। इफ़ यू हैव अ शॉर्ट स्टोरी, यू कैन पब्लिश इट इन अ लॉट ऑफ पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत लोकल मैगजीन्स हैं, LF रिव्यू है, इसके अलावा इंडिया का द पंच मैगजीन इज़ रियली गुड, सो यू कैन सेंड योर वर्क टू देम एंड सी योर शॉर्ट स्टोरी आउट देयर। और जो मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं सेलामेंडर में, ग्रीन्सबर्ग रिव्यू, इनको मैंने ऑनलाइन खुद ही सेंड किया था, वो भी बड़ा ईजी है प्रोसेस। शॉर्ट स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरी का ये है आपने लिखा, यू फील यू हैव अकम्पलिश समथिंग, क्योंकि वो फ़ौरन निकल आती है शॉर्ट स्टोरी विद इन अ फ्यू मंथ्स। नॉवल टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लिटरी एजेंट अगर ने आपका काम पसंद किया, वो पूरी किताब बैठ के फिर से आपके साथ एडिट करेगा। वंस अगैन, ईगो नहीं हो सकता आपका, तो आपने उनका भी ओपिनियन सुनना है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आपने खड़ा होना है कि भाई ये नहीं चेंजेस मैंने करनी, आपने उनको भी अपनी राय देनी है। उसके बाद फिर एडिटर पब्लिशर ढूंढता है और फिर किताब निकलती है। तो बुक को 1.5 to 2 years लग जाते हैं, कभी कभी बुक्स को एडिटिंग में बहुत देर लग जाती है। हो सकता है कि भीच के 4 चैप्टर सेंस ही नहीं बना रहे हों, या किताब बहुत छोटी हो और आपको एजेंट इंकरेज करे कि इसमें 4 और चैप्टर्स डाल दो। 2 साल लग सकते हैं, 3 साल। एंड में ना किताब बड़ी खूबसूरत हो सकती है और आप बड़े अच्छे राइटर हो सकते हो, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि हो सकता है किसी लिटरी एजेंट को ज़रूरत ही नहीं है किसी नए क्लाइंट की, या फिर पब्लिशर्स के पास बड़ा काम है, वो अभी किताब पब्लिश ही नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम मुझे ऐसे फील होता है कि लिखना आसान है, आगे जो पब्लिशिंग की जो लक है ना, वो बहुत मुश्किल है। एकदम एक कमर्शियल अजीब सी साइड आ जाती है विद दिस सेक्रेट ब्यूटिफुल राइटिंग, और 2 वर्ल्ड ऐसे ना मिशमैश करके ना कोलाइड कर जाते हैं, और बस आपको बस दुआ करनी पड़ती है कि आपको एजेंट टाइम पे मिल जाए, बुक टाइम पे आ जाए, शॉर्ट स्टोरी टाइम पे मैगज़ीन वाले एडिटर पढ़ लें, स्टफ़ लाइक दैट। बस यही है कि आपको ना बहुत विद टाइम पेशेंस आ जाती है एज अ राइटर। अच्छा, एक पब्लिकेशन वो भी होती है जो आपको पैसे देती है? जी, वो उस जो वो पब्लिकेशन है उसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिशिंग। तो सेल्फ पब्लिशिंग में ये जो ट्रेडिशनल मैंने आपको राउट बताया, ट्रेडिशनल राउट में आपको पैसे देते हैं। तो आपकी किताब अगर पब्लिशर ने ख़रीदी है तो वो आपको पैसे देगा, जितने मर्जी देंगे, अगर बाहर जा रही है तो डॉलर्स में, अगर कहीं और जा रही है तो रुपीज़ में। और जो दूसरा आप बता रहे हैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुल उससे भी हुए हैं, वो है आपकी सेल्फ पब्लिशिंग। उसमें आप किसी लोकल पब्लिशर को, या फिर अमेज़ॉन की पब्लिशिंग ऑप्शंस हैं, उनको आप ख़ुद पैसे देते हैं और आपको वो फिर बुक्स भिजवाते हैं, लेकिन फिर आपको ख़ुद वो बुक लोगों को देनी पड़ती है।